फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 10 श्री गंगानगर की हैं, जहां पूर्व सांसद शंकर पन्नू की आंखों में आंसू हैं। दरअसल जिला परिषद में प्रमुख पद के लिए कांग्रेस की ओर से शंकर पन्नू ही मेन दावेदार थे, लेकिन जिला परिषद के सभापति पद के लिए कांग्रेस के दो दो नेताओं के नाम सामने आ गए। ऐन मौके पर शंकर पन्नू का टिकट काट दिया गया, लिहाजा अपने ही प्रतिद्वंदी को वोट देना पड़ा। और जब वोट देकर बाहर आए तो इनकी आंखें नम थीं। मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे, लेकिन पन्नू का गला इस कदर रुंध चुका था कि वो कुछ बोल नहीं पाए। बाद में अलग जाकर फूट फूट कर रोने लगे। चेहरे पे खुशी नहीं है पन्नू साहब, वो जो 1995 में मैंने देखी थी, वो सर ये आंसू लाने की जरूरत नहीं। वैसे बात कर रहे हैं अपन की, आपके साथ नो डाउट है, पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, तब ये आंसू आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं पार्टी को। चलो पन्नू साहब। कल तक शंकर पन्नू की आंखों में जीत की खुशी थी, लोगों की बधाइयां पाकर काफी गदगद थे, कह रहे थे कि जिम्मेदारी मिलेगी तो उसे बखूबी निभाएंगे भी। सर बधाई हो आपको, आप जीते हैं तो कैसे? धन्यवाद आपका बधाई देने का। और इस 31 नंबर वार्ड से मैं जो है 2531 वोटों से जीता हूँ, बहुत अच्छी जीत मिली है और लोगों ने मुझे बड़ा समर्थन दिया है, बहुत प्यार दिया है और मैं कोशिश करूँगा उनके जो है उनको रिटर्न करूँ कि उनकी सेवा कर सकूँ। जिम्मेवारी आने वाली है आपके? जिम्मेवारी आएगी तो निभाएंगे। शंकर पन्नू की झोली में खुशियां आते आते रह गईं और उम्र के इस पड़ाव पर आकर पन्नू का हृदय आहत हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अब शंकर पन्नू की जगह AICC के सचिव कुलदीप इंदौरा ले चुके हैं। इंदौरा के जिला प्रमुख बनने का ऐलान होते ही उनके समर्थक खुशियां मनाने लगे, शहर में DJ की धुन पर डांस होने लगा। यानी कांग्रेस की इस जीत पर एक ओर खुशी मनाई जा रही थी तो दूसरी ओर सन्नाटा पसरा था। शंकर पन्नू को अपनी ही पार्टी से इतना बड़ा झटका मिलने वाला है, शायद उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।